इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 10 मई के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद मुगल शासक बाबर आगरा पहुंचा था। इसके बाद उसने मुगल शासन की स्थापना करके देश का इतिहास भूगोल सब बदल कर रख दिया। देश दुनिया के इतिहास में 10 मई की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1427 में यूरोपीय शहर स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में यहूदियों को निष्कासित किया गया था। 1503 में आज ही के दिन इटली के खोजकर्ता और नाविक कोलंबस ने कायमान द्वीप की खोज की थी। आज ही के दिन 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद मुगल शासक बाबर देश की तत्कालीन राजधानी आगरा पहुंचा था। 1774 में लुई 15वें की मौत के बाद लुई 16वें को फ्रांस का राजा बनाया गया था। आज ही के दिन 1796 में नेपोलियन ने लोदी ब्रिज के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया था। 1824 में आज ही के दिन लंदन की नेशनल गैलरी को आम लोगों के लिए खोला गया था। आज ही के दिन 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। मेरठ की तीनों रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत का झंडा उठाकर दिल्ली कूच किया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का जन्म आज ही के दिन 1905 में हुआ था। आज ही के दिन 1916 में नीदरलैंड की राजधानी एस्टरडम में ऐतिहासिक शिपपोर्ट संग्रहालय खोला गया था। प्रसिद्ध चिकित्सक और राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मुख्तार अहमद अंसारी का निधन आज ही के दिन 1936 में हुआ था। आज ही के दिन 1940 में जर्मनी ने बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग पर आक्रमण किया था। 1945 में आज ही के दिन रूसी सेना ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1967 में मशहूर रॉक बैंड रोलिंग स्टोन्स के 2 सदस्यों को मादक पदार्थों से जुड़े मामले में अदालत में पेश होना पड़ा था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक योगेंद्र सिंह यादव का जन्म आज ही के दिन 1980 में हुआ था। आज ही के दिन 1993 में संतोष यादव दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनी थीं। 1994 में आज ही के दिन रंग भेद को समाप्त करने की मुहिम में अपना पूरा जीवन लगा देने वाले नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। आज ही के दिन 1995 में दक्षिण अफ्रीका में सोने की एक खान की लिफ्ट में हुए हादसे में 104 मजदूरों की जान चली गई थी। भारत के मशहूर शायर कैफी आजमी का निधन आज ही के दिन 2002 में हुआ था। आज ही के दिन 2007 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्यस्थली पर होने वाले भेदभाव पर एक रिपोर्ट जारी की थी। 2011 में आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग की साजिश रचने वालों और हत्यारों के लिए मृत्यु दंड की सिफारिश की थी। शीर्ष अदालत ने इसे बर्बर करार दिया था। आज ही के दिन 2012 में सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए 2 बम धमाकों में 55 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 370 अन्य घायल हो गए थे। 2014 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका में हुए आम चुनाव में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की जीत हुई थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।